हेलो फ्रेंड, ली रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्कारलेट की हैंड मिक्सर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है 369 रुपये में। तो ये देखिए आप, इस ये व्हिपिंग करने के लिए, क्रीम व्हिपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, फोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है और ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये मेड इन चाइना है और 260 इसका वॉट पावर है। तो चलिए अब इसको खोल लेते हैं हम। तो ये इसके साथ ब्लेड आए हैं। तो इसके साथ ये दो ब्लेड आए हैं, जो एक व्हिपिंग करने के लिए, क्रीम व्हिपिंग करने के लिए और दूसरा डो बनाने के लिए है। इससे आप कोई भी पिज़्ज़ा डो या नॉर्मल आटा जो हम गूंथते हैं उसका डो भी बना सकते हैं। और ये हम इसकी मेन मशीन निकाल लेते हैं स्कारलेट की। ये देखिए, ये हमारी मेन मशीन है। 7 स्पीड कंट्रोलर इसमें बटन्स हैं और ये इसकी डोरी है। तो हम इसको खोल लेते हैं। तो ये देखिए, ये 1 मीटर से भी कम डोरी है। और ये देखिए, ये 7 स्पीड कंट्रोल इसके बटन्स हैं। तो हम इसको दबा के यहाँ से कर सकते हैं जितनी भी हमें स्पीड करनी है। और ये नीचे, ये देखिए ब्लेड लगाने के लिए यहाँ स्क्रू दे रखे हैं। तो हम इसमें ये ब्लेड लगा लेंगे। बहुत इजी है ब्लेड लगाना। और जैसे आप इसमें अंदर लगाएंगे ना, तो टक सी आवाज़ आएगी आपको। ये देखिए, दूसरा भी लगा लेते हैं। ये देखिए आवाज़ आई ना। तो ये देखिए ब्लेड लग चुके हैं। अब मैं इसको आपको चला के दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने प्लग लगा दिया है और अब मैं इसको घुमाती हूँ। तो इसको बटन को हम इस तरीके से दबाएंगे और हमें जितनी स्पीड चाहिए उतना हम आगे करते रहेंगे। ये देखिए अच्छे से घूम रहा है। अब मैं दूसरा ब्लेड लगा के भी आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इसका ब्लेड निकालना बहुत ही आसान है। हम ये बटन दबाएंगे, ये देखिए नीचे ऐसे दबाएंगे, ये देखिए अपने आप ये निकल के आ जाएंगे। तो उसी तरीके से अब हम दूसरे ब्लेड को भी लगा लेते हैं। ये देखिए, तो चलिए अब मैं आपको इसको भी चला के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, तो आपको जितनी भी स्पीड चाहिए आप उतनी स्पीड बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। और हम इसको यूज़ करने के बाद इसको आराम से ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये मैं आपको आटा मल के दिखा रही हूँ इससे। तो ये मैंने 2 कप आटा लिया है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ 1 कप पानी। देखिए थोड़ा सा बचा लिया है। तो पहले हम इसको, तो इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देते हैं। मैंने अभी 30 मिनट 2 पे कर रखी है। तो ये देखिए आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप इसको 2 मिनट बस हल्के हाथों से मलिए और आपका सॉफ्ट आटा बनके तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय लगा है मेरे को, 2 मिनट लगे हैं बस ये आटा गूंदने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमने इन ब्लेड को भी यूज़ करके आपको दिखा दिया है। तो मैंने जो कि आपको बताया था कि ब्लेड निकालना कितना आसान है,
बस हमें इसे दबाना है और ये ब्लेड निकल जाते हैं आराम से। तो आप इस स्टेरलाइट की हैंड मिक्सर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत छोटी सी है और हम इसे कहीं भी रख सकते हैं, इस पर बहुत कम स्पेस लगेगा। और आप इसको कंटिन्यू मत चलाइएगा, 6 मिनट के बाद आप इसको 2 मिनट रेस्ट पे रखिए और फिर चलाइए, इसको यूज़ करिए। तो स्कारलेट हैंड मिक्सर के साथ ये छोटी सी बुक भी आ रखी है, जिसमें सारी जानकारी दी गई है। तो अगर कुछ भी मिस रह जाए तो आप इसमें से अच्छे से पढ़कर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये स्कारलेट का हैंड मिक्सर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो मुझे बहुत बेस्ट लगा। और आप भी अपना रिव्यू बताइए।